हेलो फ्रेंड, आपका मैथोलॉजी नंबर वन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको कुछ बेसिक कमांड बताते हैं। इसके लिए आप प्रेस करें विंडो की और आई बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं सी एम डी। पहला कमांड है VIR, लिख कर इंटर करेंगे। जो भी आप फाइल हो, सब डायरेक्टरी हो, वो सब दिखने लगे, शो करने लगे। अब दूसरा कमांड है जैसे कि सी डी। इस कमांड का काम है एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चेंज डायरेक्टरी इसका पूरा नाम है। चलिए हम जाना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं। डेस्कटॉप स्पेस करके आप डेस्कटॉप टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए समय डेस्कटॉप पे चले आए। दूसरा कमांड है जैसे कि हमने विंडो का वर्जन जानना चाहते हैं कि इस विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन क्या है। इसके लिए टाइप करें VIVER, इंटर करेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन यहाँ पर शो हो रहा है। तीसरा कमांड है जैसे कि हम जैसे कि कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। इसके लिए टाइप करेंगे EMD। हम किस नाम से बनाना चाहते हैं? होम नाम से। इसका नाम है, पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी। चलिए इंटर करते हैं VIR टाइप करते हैं। देखिए होम नाम की एक डायरेक्टरी बन चुकी है डेस्कटॉप। और इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए टाइप करेंगे रेन कमांड, रीनेम। इसका पूरा नाम है रीनेम, मतलब कि उसको रीनेम करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, नया नाम देना चाहते हैं। पहले नाम करेंगे ओल्ड नाम, उसके बाद हम न्यू नाम टाइप करेंगे, जो नाम नया नाम देना चाहते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं फाइल नाम देना चाहते हैं, फाइल नेम। चलिए इंटर करते हैं और DIR करके आपको दिखाते हैं। देखिए होम के स्थान पर फाइल फाइल नेम हो गई। अब चलते हैं कि अब आपको एक और कमांड दिखाते हैं। जैसे हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि अब हम बन चुकी है डायरेक्टरी, अब हम जैसे हटाना चाहते हैं इस डायरेक्टरी को। उसके लिए टाइप करेंगे RT, इसका नाम पूरा नाम था रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को डिलीट कर दें। इसके लिए फाइल, आप डायरेक्टरी नेम लिखेंगे फाइल नेम, एंटर करेंगे। अब आपको दिखाते हैं जब हमने डायरेक्टरी बनाया था वो डिलीट हट गई। अब चलिए हम दूसरा कमांड बता रहे हैं आपको। जैसे कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, इसे हम हटाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं। इसके लिए टाइप करेंगे CLS, इंटर करेंगे। देखिए जो भी स्क्रीन पे दिख रहा था वो सब क्लियर हो चुका है। हम चाहते हैं जैसे कि ये फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए आप टाइप करेंगे कलर, और जो भी अच्छा टाइप कर देते, हम 0 से लेके 9 तक हम कलर नेम टाइप कर सकते हैं। देखिए हम टाइप कर दिए और 1 टाइप करके देखते हैं, 0 टाइप 1 टाइप कीजिए कलर नेम और 1 टाइप कर रहा है। देखिए ब्लू हो गया। अगर हम 2 टाइप करेंगे यहाँ पर ग्रीन हो गया। अब आप कलर कलर टाइप करते हैं CLO, और ढेर सारे अक्षर टाइप कर देते हैं जो भी हम टाइप कर रहे हैं, और इंटर करते हैं। देखिए अब आपको बता रहा है कि 0 के लिए ब्लैक होता है, 1 के लिए ब्लू होता है, और 2 के लिए ग्रीन होता है, 3 के लिए वो होता है। देखिए आप इंटर करते हैं, इसके आधार पर चलते हैं। अब जैसे कि पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, इंटर करते हैं। हम चाहते हैं कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए टाइप करेंगे पहले तो कॉपी कमांड कौन लिखेंगे। उसके बाद टाइप करेंगे फाइल नेम। हम फाइल बनाना चाहते हैं रीड नाम की फाइल बनाना चाहते हैं, एंटर करेंगे। इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, पहले लिख देते हैं पहले कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं। अब इसे सेव करने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, या फंक्शन F6 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। चलिए ठीक है, इंटर करते हैं। अब ये जो लिखा था टेक्स्ट इसमें आकर सेव हो गया, इस फाइल में सेव हो चुका। अब चलिए हम आपको बताते हैं, अब इसे हम रीड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। चलिए टाइप करते हैं टाइप कमांड और उसका नाम लिखते हैं, इस रीड का नाम RE, इंटर करते हैं। जो इन्होंने लिखा था वो सब।
और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम का, जैसे कि इस समय इस सिस्टम में कितना डेटा है, मतलब तारीख कितना है, वो देखना चाहते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे डी ए ए टी और इंटर करेंगे डेट कमांड। यहाँ से आप डेट बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदलना चाहते हैं तो इंटर की प्रेस कीजिए। और एक होता टाइम कमांड TIME। इसके द्वारा जैसे कि कोई भी टाइम देख सकते हैं, जैसे जो भी टाइम करंट टाइम होगा इस विंडोज में, जो भी सिस्टम में, तो इंटर करते हैं, देखिए करंट टाइम बता रहा है। अब यहाँ से आप बदल भी सकते हैं टाइम, नहीं बदलना चाहते तो इंटर कीजिए। हम चाहते हैं जैसे कि एक डायरेक्टरी से, अब जो डायरेक्टरी ओपन है डेस्कटॉप, उसे हम क्लोज करना चाहते हैं, मतलब कि वापस आना चाहते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे cd --, इंटर करें। डायरेक्टरी को क्लोज करने के लिए cd का यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाना चाहते हैं, जैसे सी ड्राइव में है, अब हम डी डी ड्राइव में जाना चाहते हैं। फिर टाइप करेंगे डी और कॉलन, ये डी है ड्राइव नेम, उसके बाद कॉलन, इंटर करेंगे। देखिए हम डी ड्राइव में आ चुके हैं। अब जैसे कि हम चाहते हैं सी ड्राइव में जाना चाहते हैं, उसके लिए टाइप करेंगे सी कॉलन, इंटर करेंगे तो हम सी ड्राइव में आ चुके हैं। ये देखिए पहला वाला था, उसी में हम फिर प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि हमें ये नहीं पता कि डायरेक्टरी क्या है, तो हम पाथ सर्च करने के लिए, डायरेक्टरी को खोजने के लिए पाथ टाइप करेंगे, पाथ इंटर करेंगे। देखिए यहाँ से डायरेक्टरी पाथ आपको शो होने लगेगा जो भी था। जैसे अब हम चाहते हैं कि इसे क्लोज करना चाहते हैं, जो हमने बनाया है उसे बंद करना चाहते हैं, जैसे कि ये cmd कमांड है, इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइप करेंगे exit, एग्जिट कमांड। देखिए डायरेक्टरी बन चुकी है, जो कमांड प्रॉम्प्ट था बंद हो चुका है। डायरेक्टरी का वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, ना अच्छे डिसलाइक करना। ज़्यादा अच्छी लगे तो मन की बातें लिखना हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना।